गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग फंड एडमिशन और पार्टनर का चैप्टर कर रहे हैं। हाँ जी, मैं लिख रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं एडमिशन और पार्टनर का चैप्टर कर रहे हैं। और एडमिशन और पार्टनर के चैप्टर की सीरीज़ में हमारी बेटा ये सेकंड वीडियो आ रही है। ये है वीडियो नंबर 2 हमारे लिए आ रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो का कंसेप्ट हम कवर कर रहे हैं। आपने पहली वीडियो ज़रूर देखी होगी। पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर किया था बेटा, हमने कवर किए थे केस 1 और केस 2 रेशियो के अंदर में। रेशियो में एक सवाल और बनता है, केस और भी बनता है, जो हमारा केस नंबर 3 है। यानी केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहता है वैन न्यू पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस, वैन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स बाय सरेंडर ऑफ देयर शेयर। यानी कि अपने शेयर का एक पोर्शन क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे। उस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल केस लेके चलेंगे और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर सी आना चाहता है पार्टनरशिप में, मान लीजिए 1/5 शेयर के लिए आना चाहता है। कितने शेयर के लिए आना चाहता है, 1/5 शेयर के लिए आना चाहता है। तो कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ये केस 1 था, आपको क्लियर था। केस 1 में हमने ऐसा किया था। केस 2 भी क्या था, ए और बी पार्टनर हैं, कितना रेशियो है बेटा, 3:2 का है। सी मान लीजिए 1/5 शेयर के लिए आना चाहता है, कितने के लिए। अब यहाँ बताते थे केस 2 में फ्रॉम, और वहाँ पे क्या लिखा होता था, फ्रॉम। मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा होता था बेटा, आपका लिखा होगा, ये आ रहा है मान लो 4/20 शेयर के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है बेटा, 4/25 शेयर के लिए। 4/25 ये किससे लेता है, फ्रॉम ए से लेता है। और 1/25 किससे लेता है बेटा, ये फ्रॉम बी से लेता है। ऐसा होता था। तो अब क्या करते थे, इनके पुराने शेयरों से यहाँ वर्ड था क्या, फ्रॉम, यहाँ पे क्या था, फ्रॉम। तो सीधा सीधा क्या कर देते थे, यहाँ पे आप माइनस कर दिया करते थे। अब मैं ऐसे ही आ रहा हूँ बेटा, अब केस 3 पे आ रहा हूँ। यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ भी दो पार्टनर है, मान लीजिए रेशियो कितना है 3:2 का। अब जो सी जो आया है उसका शेयर मुझे नहीं मालूम ए कितने शेयर के लिए आया, बी कितने शेयर के लिए आया। उन्होंने कहा ए जो है बी क्या करता है, सरेंडर करता है। यहाँ एक वर्ड लिखा होता है नॉर्मली सरेंडर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वर्ड क्या लिखा होता है, सरेंडर वर्ड लिखा होता है। यह लिखा होता है फ्रॉम हिज शेयर। हाँ जी बेटा, 3 बार बोलिए, फ्रॉम हिज शेयर। क्या बोला मैंने, फ्रॉम हिज शेयर, यानी कि अपने शेयर से, अपने शेयर का कुछ सरेंडर कर देगा। यानी कि पहले बंदे ने कहा मैं अपने शेयर का 1/4 सरेंडर करता हूँ, 1/4। ये कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/5 पार्ट सरेंडर करता हूँ। यानी कि सी के बारे में नहीं बताया, सी कितना शेयर के लिए आ रहा है। इन्होंने कह दिया भैया ए और बी क्या बने हुए हैं, त्यागी बने हुए हैं, बलिदानी बने हुए हैं के श्री। यानी कि ए और बी ने कहा कि मैं अपने शेयर का कितना सरेंडर करूँगा, ये कह रहा है मैं अपने शेयर का इतना सरेंडर करूँगा, अपने शेयर में से नहीं, फ्रॉम ए शेयर नहीं। वहाँ पे लिखा होता था ये इतना इतना फ्रॉम, ए कितना सरेंडर करेगा, या फ्रॉम वर्ड काट रहा हूँ बेटा, फ्रॉम वर्ड काट रहा हूँ, ये कहा ऑफ ई शेयर। बेटा बोलने में शायद गलती हो गई थोड़ी सी, ऑफ ई शेयर, क्या ऑफ ई शेयर, क्या लिखा होगा, ऑफ ई शेयर। 3 बार बोलेंगे अपने शेयर का, यानी कि क्या करेंगे। तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे बेटा ए विल सरेंडर, ए कितना सरेंडर करेगा, फिर क्या लिखेंगे बेटा, बी विल सरेंडर। 2 क्वेश्चन करेंगे तो और हमें क्लियर हो जाएगा, ए कितना सरेंडर करेगा और बी कितना सरेंडर करेगा। भैया ए का शेयर है कितना भैया, 3/5, बी का कितना शेयर है, 2/5, कितना सरेंडर कर रहा है ये। यानी कि ये नहीं बताया सी कितने शेयर के लिए है, अभी तक क्वेश्चन शांत है, साइलेंट है, बता नहीं रहा सी कितने शेयर के लिए है। यानी कितना कह रहा है, वो कितना सरेंडर कर रहा है, 1/4, ठीक है जी। ये कितना सरेंडर कर रहा है जी, 1/5 सरेंडर कर रहा है। इसका मतलब इतने कितना सरेंडर किया, 3/20, इसने कितना सरेंडर किया, 2/25, इतना सरेंडर किया। यानी कि सरेंडर करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या लैंग्वेज थी, ऑफ हिज शेयर। दोबारा बोलता हूँ, ऑफ हिज शेयर, ध्यान रख लेना इस वर्ड को। फ्रॉम का मतलब माइनस करना होता है, फ्रॉम का मतलब सीधा माइनस करना होता है, ये होता है ऑफ हिज शेयर। 2 प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी कि इतना शेयर ये सरेंडर करेंगे। तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशो निकालना बड़ा आसान सा काम है बेटा, मैं यही निकालने की कोशिश करता हूँ, ए बी और सी। देखिए कैसे निकलेगी, ए का शेयर कितना है, आप कहेंगे सर ए का शेयर है 3/5, ठीक है जी। बी का शेयर कितना है, सर कितना शेयर है, 2/5। तो 3/5 में से क्या माइनस करूंगा मैं, कितना सर सरेंडर कर दिया, सर 3/20। इसने कितना सरेंडर कर दिया, सर इसने सरेंडर कर दिया 2/25।
कितना कर दिया 2/25, और सी का कितना शेयर है भाई, जितना जितना इन्होंने सरेंडर किया उतना उसका कितना शेयर हो गया, सी का शेयर हो गया। इसका मतलब कितना, 3/20 मैं लिख रहा हूँ, 3/20 प्लस क्या लिखूँगा बेटा मैं, प्लस लिखूँगा 2/25। अब मैं इसको क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। चलिए सॉल्व करने वाला काम बेटा यहाँ कर लेते हैं, यानी कि इन फिगर्स को मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ बेटा, यानी कि ये जगह है मैं यूज़ कर पाऊँगा बेटा यहाँ पे, यानी क्या करूँगा ए बी और सी के लिए। यानी कि ए का पुराना शेयर कितना था, आप कहेंगे सर 3/5 था, इसका कितना था सर 2/5 था, यानी कि 3/5 में से क्या मैं माइनस कर दूँ बेटा यहाँ, आप कहेंगे सर यहाँ माइनस कर दो, कितना सरेंडर किया इसने 3/20, यहाँ 3/20 माइनस कर दिया मैंने, यहाँ कितना माइनस कर दिया मैंने, हाँ जी यहाँ माइनस कर दिया मैंने 2/25 कर दिया। और सी का शेयर कितना हो जाएगा, 3/20 ने कितना कितना सरेंडर किया बेटा, हाँ 3/20 और प्लस 2/25, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितने एलसीएम आया, आप कहेंगे सर ये तो 100 एलसीएम आ गया, 100 एलसीएम आ गया, कितना हो जाएगा बेटा ये आ जाएगा 20, 23 का कितना आ गया यहाँ पे आ गया 23 60 माइनस में 5 या 15, ये आ गया 45/100 आ गया। यहाँ कितना आ गया, यहाँ एलसीएम ले लिया हम लोगों ने फिर से 100 ले लिया, ये कितना आएगा 20 दूनी 40 और ये आ गया 4 दूनी 8, ये आ गया सर 32/100 आ गया। इसका एलसीएम भी यहाँ पे 100 ले लिया हम लोगों ने, कितना आएगा बेटा ये, यह आएगा 5 3 15 और आ गया 4 4 दूनी 8, ये आ गया बेटा 17/ में कितना आ गया, सॉरी 23/ में कितना आ गया बेटा ये 100 आ गया। तो रेशियो कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, आ जाएगी पहला पहला नंबर देख लो 45/100 है, 32/100 है और 23/100 है, कितना आ जाएगा 45:2 कितना 32:2 कितना 23, तो 45, 32 और 23 इनके बीच में न्यू रेशियो हो जाएगी। इसका एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं बेटा, तब बात हमें क्या आएगी बेटा थोड़ी समझ में आएगी, यानी कि यहाँ पे जो की वर्ड है, जो समझने वाला वर्ड है वो क्या है, ऑफिशियल। जब क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें पता लगेगा, ये तो हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया बेटा। अब मैं जहाँ ये क्वेश्चन ये कवर करने वाला हूँ उसको मैं देखता हूँ कि बेटा मैं क्या करा रहा हूँ आपको। तो मैं आप पहले तो एग्जांपल पे आऊँगा बेटा, हमारी एक परंपरा है कि मैक्स से मैक्स हम लोग क्या करें बेटा, एग्जांपल कवर करें। तो जो एग्जांपल हम यहाँ कवर कर रहे हैं वो बेटा है यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 है। पहले पढ़ के देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 में आखिर है क्या। एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है, ए और बी पार्टनर हैं, ये लिखा हुआ ना सेक्रीफाइस ऑफ देयर शेयर या ऑफ हिज शेयर, एक ही बात है। ये एग्जाम में लिखा नहीं आएगा बेटा, तो यहीं से समझना पड़ेगा बेटा क्या चीज़ है, देखते हैं यहाँ। ये आपको दे रखिए, ए और बी पार्टनर एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। रेशियो क्या दे रखा है बेटा आपको, 3:2 का रेशियो दे रखा है। ए ने कितना सरेंडर किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर, वहाँ देखो फॉर्म लिखा होता था 1/5 ऑफ हिज शेयर। बी ने कितना सरेंडर किया है, ये किया 3/2 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर के लिए कैलकुलेट करवा रहा है न्यू रेशियो, कैलकुलेट करवा रहा है न्यू रेशियो, कैसे करें। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ बेटा। ये काम करने का मेरा है, मेरे कुछ सवाल होंगे आपसे, ये मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ मैं ज़रूर लिखना चाहूँगा। ये क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 6 है बेटा। इलस्ट्रेशन को हम आई से कहा करेंगे, एक जनरलाइज सिंबल बना लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग और पेज नंबर है बेटा हमारा 5.5 है। मेरे को बताइए ओल्ड रेशो कितनी है, आप कहेंगे सर ओल्ड रेशो दे रखी है मैंने उन्हें कितनी सर 3:2 है। नए पार्टनर का नाम क्या था भाई, एज यूजल जो पुराने तरीके सी आ रहा है। अब सी ने बताया, अब सी जो है सी का शेयर इन्होंने नहीं दे रखा और ये कह रहे हैं कि ए ने कितना सरेंडर किया। यहाँ लैंग्वेज लिखते हैं ए विल सरेंडर कितना कर रहा है, ये हमने पढ़ा है यहाँ पे वो कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ लैंग्वेज पढ़ा मैंने 1/5 ऑफ हिज शेयर और यहाँ पे कितना लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना बेटा, और बी ने कितना सरेंडर किया है 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो वर्ड जो कैची वर्ड में जो मिला वो क्या मिला, ऑफ हिज शेयर बेटा, क्या मिला दोबारा से आ रहा हूँ, ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। तो यानी क्या करेंगे, अरे भैया तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो अच्छी बात है, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो यहाँ लिख भी देते हैं ए विल सरेंडर, क्या लिखेंगे बेटा, ए विल सरेंडर, बी विल सरेंडर, कितना कितना सरेंडर करेंगे देखेंगे। ए का शेयर कितना है, पहली बात तो 3/5 है, कितना सरेंडर कर रहा है उसका, कर रहा है 1/5 हिस्सा कर रहा हूँ मैं, यानी कितना हो गया बेटा 3/25 हो गया। ये कितना हो गया बेटा 2/5 इंटू कितना किया बेटा मैंने यहाँ पे, हाँ जी मैंने 2/5 किया है यहाँ पे, कितना आ गया बेटा 4/25। इतना दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पिछली बार ये चीज़ गिवन होती थी हमारे को, इस बार हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कि अब ए का शेयर है, बी का शेयर है और सी का शेयर है, कैसे निकलेगा। अब पुराना शेयर कितना है 3/5, इसका कितना है 2/5, तो क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे,
कितना आएगा माइनस करके बेटा, ये 3/25 या 4/25, और जितना जितना ये सेक्रीफाइस करते हैं उतना उतना यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, क्योंकि जितना उन्होंने सरेंडर करा उतना ही तो शेयर किसको मिला, हाँ जी सर सी को मिला। 25 यहाँ पे एलसीएम आ गया, कितना आ गया बेटा, 5 3 5 15 माइनस का 2 13/25, 25 एलसीएम ले लिया, तो 5 2 10 माइनस का 4 6/25, और ये एलसीएम ले लिया 25 मैंने, तो आ गया 3 + 4 7/25, तो न्यू रेशियो मेरी कितनी आ जाएगी, 13:6:7 मेरी क्या कहलाएगी बेटा, न्यू रेशियो हो जाएगी। बट तो कुछ लग रहा है कि कुछ मेरी शेयर कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हुई है, वो मैं ज़रूर चेक करना चाहूँगा। ये देखिए ये यहाँ पे 3 आएगा बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। पता कैसे लगा मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि टोटल देखा मैंने, टोटल कितना आना चाहिए था इनका 25, वो मेरा 26 आ रहा था, तो मुझे इमीडिएटली रियलाइज़ हो गया कि यहाँ मैंने कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी करी है। ये मैंने कौन सा करा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया है। उसके बाद हमें आएंगे बेटा, एक अनसोल्ड क्वेश्चन और है इसी सीरीज़ के अंदर में, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो वो अनसोल्ड क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा है वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर है बेटा 14 है बेटा, बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, क्योंकि ये सवाल ज़रूर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये क्या है, एक्स और वाई पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 दे एडमिट जेड इन टू द पार्टनरशिप, जेड का मतलब जी को पार्टनरशिप में एडमिट कर लेते हैं। एक्स गिव 1/3 ऑफ इस शेयर, एक्स कितना देता है अपने शेयर का, 1/3 दे देता है, दे रखा है इन्होंने, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है यहाँ पे, एक्स गिव 1/3 ऑफ इस शेयर, वी वाई गिव 1/10। अब यह मज़ेदार शेयर है, ये क्या है, यहाँ फ्रॉम इस शेयर है, यानी कि यही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर टीचर देते हैं, यहाँ फ्रॉम है और यहाँ हिज है, तो दोनों केसेस को यहाँ पे क्या करा गया है बेटा, कंबाइंड करने की यहाँ पे क्या करी गई है बेटा, कोशिश की गई है, और वो हम लोग क्या करेंगे बेटा, समझेंगे, कहीं फ्रॉम दिया हुआ है कहीं ऑफ इस शेयर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके करेंगे, यहाँ डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट करो न्यू रेशियो, बहुत ही है, हॉक्स में आता है बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, HOTS होता है, HOTS का मतलब क्या होता है, होर्स क्वेश्चन होते हैं, यही हमारे गोयल साहब भी बोलते हैं। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन को कैसे करें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, यानी कि बच्चे को फंसाने वाला क्वेश्चन है ये, 14 क्वेश्चन कैसे करा जाए। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई दो पार्टनर हमारे को दे रखे हैं, और इनका जो रेशियो दिया हुआ है बेटा वो कितना देखा है, 3:2 का रेशियो इन्होंने हमें दिया है, यहाँ एडमिट किसके करा है, जेड को किया।